breaking news. कल हमारे एडीजी जोन श्री अविनाश चंद्रा साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी बरेली जोन के सभी एसपीज की और दोनों रेंजेस के आईजी और डीआईजी की। तो उसमें ये कोरोना के संबंध में व्यवस्था, कोरोना के संबंध में जानकारी, कोरोना के संबंध में जो लॉकडाउन के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, शासन से प्राप्त दिशा निर्देश, डीजी साहब से प्राप्त दिशा निर्देश, उन पर क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए अच्छा सब लोग लेकिन उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता लगी कि पिछले 3-4 दिनों से कई तरह की अफवाहें अलग अलग जिलों में, अलग इलाकों में चल रही हैं जिनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एसपी शाहजहांपुर ने ये बताया कि उनके तमाम देहात के क्षेत्रों में ये अफवाह चल रही है कि कुएं में पानी, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उतनी बाल्टी पानी सूखे कुएं में डालने से कोरोना वायरस चला जाएगा, खत्म हो जाएगा या आएगा नहीं। इस अफवाह के चलते बहुत ढेर सारी औरतें रातों में अपने अपने घरों से निकल के कुओं में हैंडपम्प से पानी भर के जाते हैं। दूसरी अफवाह के बारे में बताया गया कि सरसों के तेल का दिया अपने दरवाजे पर जला देंगे तो कभी कोरोना नहीं होगा। सरसों के तेल का दिया जलाना अच्छी बात है लेकिन इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। एक अफवाह बहुत चली बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर के आसपास, बिजनौर ने बताया रात में बहुत परेशानी हुई पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधिकारियों को और मजिस्ट्रेट साहबान को। रात में अचानक ये अफवाह फैली कि जो लोग सो गए हैं वो पत्थर हो गए हैं और लोगों ने अफवाहन गाँव का नाम लेना शुरू किया कि फला जगह आधा गांव सो रहा था तो आधे गांव पत्थर हो गए। इस तरह की अचानक लोग बाहर निकलने लगे। पुलिस और मजिस्ट्रेट तुरंत पहुँचे, उनको समझाया गया और बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद इस अफवाह का खंडन वहाँ के एसपी और डीएम ने जगह जगह जाके अनाउंसमेंट करके लोगों से बात करके इस अफवाह का खंडन किया कि इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। अगली बात जो बताई गई कि रामायण में बाल कांड में अगर आप खोलेंगे तो उसमें बाल मिलेगा जरूर, कोई ना कोई ह्यूमन हेयर की बात कर रहे थे, वो मिलेगा, उसको वहाँ से निकाल के गंगा जल में डाल दें और उसके बाद उसका छिड़काव करें घर में और जो भी घर के सदस्य हैं उनके ऊपर, तो इससे कोरोना घर में नहीं आएगा। ये भी एक अफवाह है, ये अफवाह अभी वर्तमान में चल रही है, सभी संबंधित लोगों ने इसका खंडन भी किया है लेकिन इसका कोई लेना देना कोरोना से नहीं है। अगला ये बताया गया कि घर के बाहर की दीवारों में हल्दी छिड़कने से कोरोना नहीं आएगा, तो ये भी अफवाह है। हल्दी छिड़कना अच्छी बात है, हल्दी सबसे ज़्यादा नेचुरल एंटीसेप्टिक है लेकिन इसका कोरोना से कोई लेना नहीं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि किसी तरह की अफवाह में ना आए, आप घर के भीतर रहें और घर के भीतर रहने से बड़ी दवा कोई नहीं है। आप घर के भीतर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी इन चीज़ों का जो अफवाहन रोज चल रही है इनका कोरोना से कोई लेना नहीं। और अगर आपको ऐसा पता लगता है कि इस तरह की अफवाह, इस तरह की मैसेज कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फैला रहा है, आप उसकी सूचना दें, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।